तो देखिए ये कैसे जा रहे हैं। YouTube भाई मुझे मारो। ये क्या जज्बात पलट गए, हालात पलट गए, ये TikTok पलट गया, ये 5 स्टार से 2 स्टार हो गया, ये कैसे हो रहा है भाई? और ये दिल्ली का बॉर्डर है गाइस, देख सकते हैं आप, देखिए गाइस पूरा जो बॉर्डर है वो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? और आप देख रहे हैं वियर्ड व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली और यूपी का बॉर्डर कैसा हो रखा है इस टाइम। गाइस जहां तक मैं जानता हूं दिल्ली पूरी खुल चुकी है, तो आज देखते हैं चल के कि दिल्ली का क्या हाल है और यूपी का क्या हाल है। खैर अभी हमारे यहाँ तो लॉकडाउन खुला नहीं है, आप देख सकते हैं पीछे रोड सारी सुनसान पड़ी है, एक भी बंदा आपको कहीं पर नहीं दिख रहा होगा। देखो तो अभी चलते हैं, फिलहाल हमारे घर के बहुत पास है दिल्ली बॉर्डर, करीब 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं क्या सीन है दिल्ली में। तो गाइस केजरीवाल ने हाथ उठा दिया, बोल दिया कि मरो, साफ सीधी बात ये है। और अभी हम चल रहे हैं, अभी हम चलेंगे स्प्लेंडर के ऊपर, ही अपनी स्प्लेंडर है। तो चलिए गाइस चलते हैं, बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से दिल्ली बॉर्डर के पास और आपको सिनेमैट देते हैं बढ़िया बढ़िया, आप इन्जॉय करिए। तो अभी फिलहाल हम चल चुके हैं। देखिए गाइस बात कुछ ऐसी है, केजरीवाल को जो है मजबूरों के दिल्ली का जो है वो गाइस। देखिए हमारे यहाँ पे जो सीन था वो ये था कि हमारे यहाँ पे जो बिजली थी वो काफ़ी ज़्यादा जाती थी, यानी 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से जाती थी। तो जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है उसके पास अभी काफ़ी सारा टैक्स है। फिलहाल दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, आ गया है करीब करीब। तो चलिए दिखाता हूँ आपको क्या सीन है वहाँ पे, क्या है। देखिए आपको दिल्ली का बॉर्डर हम पहुंच चुके हैं इस टाइम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ हो रखी है। तो गाइस देखिए अब मुझे नहीं लग रहा कि कुछ हो पाएगा दिल्ली में, और गाइस जितना हो सके दिल्ली के लोगों से दूर रहें, क्योंकि भैया यहाँ पर तो सीन हो चुका है काफ़ी ख़राब इस टाइम, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़, और ये दिल्ली का बॉर्डर है गाइस, देख सकते हैं आप। यहाँ से वापस कैसे आएंगे? बिल्कुल भी, सीन बहुत ख़राब है। तो गाइस वापस आने का रास्ता है कोई? गाइस अभी यहाँ पे हम दिल्ली बॉर्डर पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जाम यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज़्यादा जाम है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। देखिए आप, देखिए गाइस पूरा जो बॉर्डर है वो कर रखा है सील, आप देख सकते हैं। आ चुके हैं वापस अपने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीन है वो बिल्कुल अभी क्लियर है। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है केजरीवाल जी के द्वारा। तो अभी हम चलते हैं दूसरे बॉर्डर पे, जो कि हमारे इधर से ही पड़ता है, वो भी दिल्ली में एंटर करता है बॉर्डर पे। तो वहाँ के हाल भी देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। तो काफ़ी पास में है वो बॉर्डर भी, यहाँ से बिल्कुल पास में ही पड़ता है, तो देखते हैं वो खुला है या सील है, क्या सीन है। तो भाई देखिए दिल्ली वालों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये बीमारी जो है वो काफ़ी फैलती जा रही है, और जो बॉर्डर जो दिल्ली है वो पूरी तरीके से अब लॉकडाउन हो चुका है वहाँ पे। तो भाई ये जो बीमारी है दिल्ली में काफ़ी बहुत तेज़ी से फैलेगी, तो भाई कोशिश करें कि दिल्ली में ना जाए और दिल्ली वालों से दूर से दूर रहें। तो देखिए हमारा जो दूसरा बॉर्डर है हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, हम पहुँच गए हैं करीब करीब वहाँ पे। तो देखिए गाइस ये वाला बॉर्डर जो है ये कर रखा है इन लोगों ने पूरी तरीके से बंद, तो आप यहाँ से तो आना जाना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भाई भी हमारे जो है ये भी यहाँ से जा
जाने के चक्कर में थे, मगर इनको भी देख के। ये है सूर्यनगर रेड लाइट जो कि दिल्ली में एंटर होते हैं बंदे यहाँ से, मगर ये भी इस टाइम पूरी बंद पड़ी हुई है। तो देखिए गाइस ये जो बॉर्डर है बिल्कुल सील हो रखा पूरी तरीके से। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। एक बार अनमोल, तो अब हम चल रहे हैं अपनी तीसरी तरफ जो कि है तारों के नीचे से दिल्ली में घुसने का रास्ता। मेरे सुनने में आया शायद वो वाला रास्ता भी इस टाइम सील कर दिया। तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या सीन है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से आना जाना कर रहे थे, तो इस वजह से शायद वो बॉर्डर भी सील कर दिया है गवर्नमेंट ने, मतलब पुलिस वालों ने, लोगों ने कंप्लेंट कर दी थी शायद उसकी वजह से। तो चलते हैं देखते हैं उस वाले बॉर्डर का क्या सीन है। काफ़ी छोटा सा गेट था यहाँ पे, तो भाई अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भी वही वाली, ये रामप्रस रेड लाइट के जस्ट बराबर में पड़ता है, तो यहाँ से भी लोग आना जाना करते थे। तो भाई जहाँ तक मैं जहाँ दिख रहा है मुझे यहाँ पे अभी भी वो चल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से लोग अभी भी जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे गड्ढा खोद दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढा खोद दिया। ये देखिए गाइस पब्लिक मान बिल्कुल भी नहीं रही है इनकी गांड पे, तो जब तक चूतड़ों पर डंडे नहीं पड़ेंगे बिल्कुल मानने वालों में से है नहीं। देखिए आप किस बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं, लोग बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं गलत तरीके से, जबकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे खोद दिया है। तो देखिए ये कैसे जा रहे हैं। ये सब दिल्ली में जा रहे हैं जितने भी हैं, ये व्हीकल्स चलते आपको दिख रहे होंगे, पूरी दिल्ली का बॉर्डर लाइन है। देखिए आप कोई भी नहीं मान रहा है, सब यहाँ से चुपके चुपके चल रही है, चुपके चुपके दिल्ली में घुस रहे हैं। देखिए गाइस डीटीसी आपको दिखी होगी अभी पीछे से गई है, ट्रक एंड ऑल सारी कंप्लीट जो दिल्ली है वो स्टार्ट हो चुका है इस टाइम। गाइस देखिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम यूपी में सेफ रह पाएँ, क्योंकि कोई भी नहीं मान रहा है, सब ऐसे ही निकल निकल के यहाँ से जा रहे हैं। ये देखिए गाइस ये हेलमेट वाला इंसान कितनी 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 होशियारी से इधर देख रहा है कि कोई इसे देख रहा है नहीं देख रहा है, अभी यहाँ पर आएगा। इसी गांड फट चुकी है, देखिए गाइस ये वापसी भाग गया। इसी गांड फट गई है गाइस, देखिए इसने कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ से भागा है। इसने मुंह पे हेलमेट इसे लगा रखा ताकि इसे कैमरे में कोई पहचान ना पाए। तो यहाँ पे अपना एक दोस्त रहता है, अभी अपने दोस्त से मिलेंगे थोड़ा सा उसको बाहर बुला के। शख्स को ये शख्स जो अभी इस बॉर्डर से चुपके से अंदर घुसा है तारों के नीचे से। तो गाइस इसको जो मैंने पकड़ लिया रंगे हाथों, और आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो शेयर करनी है, कमेंट करना, सब्सक्राइब करके फटाफट मुझे बताना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि अगर ताकि जब भी अगली बार मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्या हो गया वे खुदा रहा था ना ऊपर से, तो पीछे से टूट गया कुछ। अच्छा तो भाई ने अभी यहाँ से बाइक खुदाई है, तो इसकी वजह से भाई की डिब्बी टूट चुकी है पीछे वाली, चल गई है। ये देखिए हमारा दोस्त यहाँ से आ चुका है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, धीरे 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 चुप चुप के चुप चुप के चुप चुप के ये 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 ये। और पाजी किदा हाथ नहीं मिलाने का, बूम हम साफ सुथरे रहते हैं भाई, तुझे तो पता ही है अपना अपने बेंचो हाइजीन बंदे हम। तो पाजी क्या चल रहा है लॉकडाउन में, कुछ नहीं भाई, पबजी चल, कैसे खुद आ जाओ तुम, पबजी चल रही है आजकल, पबजी लॉकडाउन में सबके घर में चल रही है गरीबी, मगर एक शख्स ऐसा है जो नहीं मान रहा है, उसके पास काफी सारा पैसा देखेगा इस इसे फैशन बाल कटवा रहा है, बाल फुल कटवा के मतलब लॉकडाउन में, मतलब देखिए तुम्हारे भाई के बाल, तुम्हारे भाई के बाल कटवा चुके हैं, नशाद ही अपना घर पे बुलाया था, मगर ये जो लौंडा है ये मान नहीं रहा है, अमीर ही देख भाई घर पे बार बार बुला के, ये अमीर अमीर है इसे कहते हैं, बोट के हेडफोन्स भी अभी मंगाए हैं, हेडफोन्स तो खरीदे भाई ने दो तीन दिन पहले मंगाए हैं, लोग तो जा रहे हैं लेकिन फिर भी उधर से चले जाओ ना आंटी, उधर से मना नहीं कर रहे, ठेके तो खुल गए लेकिन ठेके शराब पे हाथ नहीं लगाया, ठीक है यार, एक के घर में बैठ के उक्का उक्का पिया करते थे हम, ये नहीं क्या 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 कहा सर आपने, सर क्या कहा आपने, क्या अच्छे वचन बोले सर, आप प्लास्टिक का हो जाती है, अभी हम यहाँ से पार करके आया टूट गई है ऊपर से उक्का चिलम पिलम। बोल भाई आपने टिकटॉक और यूट्यूबर की लड़ाई तो देखी होगी, हाँ भाई, तो उसका मार।
भाई मुझे मारो। ये क्या बात, पलट गए हालात, पलट गए, ये टिकटॉक पलट गया, ये 5 स्टार से 2 स्टार हो गया, ये कैसे हो रहा भाई? ये हो गया तरह भाई, मैं तो अभी अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, वर्ल्ड पार्ट कर दिया भाई, ये अनइंस्टॉल करा। हेलो मोदी, अब रुक जाओ। हेलो मोदी जी, 2 स्टार से 1 स्टार पे जैसे आए इसे इंडिया से हटा दो। आप क्या कहना चाहेंगे पंजाबी से? मुझे मारो भाई, एक सेकंड ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? मेरी बाइक में मैं लॉकडाउन के चक्कर में इन्हें टिकटॉक की पड़ी है भाई। तो अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर, हमने बाइक कर दी खड़ी वहाँ पे, देखी मेरी गाड़ी भी है, तो चलो चलते हैं। ये है चौंदा, चौंदा अच्छा जी तो चलो चलते हैं। हाँ तो ये था, आगे तो रहता है। मैंने कहा अंकल जी कर दो कोई दिक्कत नहीं है मैंने बाहर निकाल तो देख लिया था यार अरे तो बोल देता ना मोल के घर आ रहा हूँ सीधी बात अरे नाम चलता है यहाँ पे हल्के में ले रहे हो पहले डाले, जब तक नहीं मारेंगे जब तक लाल नहीं कर देंगे तेरे को। अंकल जो है कितने बढ़िया तरीके से बीड़ी पी रहे हैं, आप देख सकते हैं। टट्टी अच्छी आ रही है। यही है जिंदगी, मेडिकल स्टोर के बाहर खड़े होकर दम लगाओ। यही है, इसे कहते हैं मेंटोस जिंदगी। और ये कौन सी जिंदगी है भाई, मुझे नहीं पता भाई। ये देखो बीड़ी चल रही है अंकल से, एक घंटा हो चुका है बीड़ी पे दम लगा रहे हैं, बाल सैनिटाइजर भी लगा रहे हैं, काफी अच्छी बात है। तो चलिए गाइस, बीड़ी पी कोई बात नहीं, बट सैनिटाइजर का यूज भी करा भाई, तो काफी अच्छी बात है गाइस। हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है देख के। वो पीछे मेडिकल शॉप जैसे कि आप देख सकते हैं। ये कैसे जा रहे हैं? ये तो दिल्ली जा रहे हैं।